अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब निकाल लीजिए सोशल स्टडी की, सही है, और जिसका हम चौथे चैप्टर का दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 39 से लेकर 41 आज हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। तो जल्दी से बुक्स निकालिए, आज हम इसमें सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे कि जज्बात को किस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जज्बात का पूरा एक वाकया समझ लिया था जिसमें हमने अपनी ज़िंदगी के दो जज्बों के बारे में बात की थी, खुशी का जज्बा और उदासी का जज्बा। खुश हम कब होते हैं, जब उदास हम कब होते हैं। खुश कब होते हैं, जब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमारे मर्ज़ी के मुताबिक काम हो जाए, जब हम खुश होते हैं या कामयाब हो जाए, जब हम खुश होते हैं या हमें कोई तोहफ़ा दे, जब हम खुश होते हैं या दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ बाहर घूमने जाएँ तो भी खुश होते हैं। ठीक है, और असल खुशी क्या है, वो है जिसमें किसी को तकलीफ़ भी ना हो और अल्लाह ताला भी खुश हो, वो क्या कहलाती है, असल खुशी कहलाती है। इसके अलावा हमने उदासी के बारे में सीखा था, उदासी का जज्बा कब हमें महसूस होता है, जब महसूस होता है जब कोई काम हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो, जब हम किसी चीज़ में या किसी खेल में हार जाएँ या हमारी जो कोई कीमती चीज़ गुम हो जाए या टूट जाए, जब हमें कौन सा जज्बा महसूस होता है, उदासी का जज्बा महसूस होता है। ज़्यादा उदास रहने से आपकी सेहत भी कमज़ोर होती है, यानी आप कमज़ोर होना शुरू होते हैं, और खुश रहने से आप सेहतमंद होते हैं, उदास रहने से आप कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उदासी के जज्बे से बचने का सबसे आसान तरीका क्या था, सबसे आसान तरीका ये था कि आप उदासी के जज्बे में जो है वो किसी काम में मसरूफ़ हो जाएं, ताकि आप उस उदास वाकये को भूल सकें और काम में मसरूफ़ होने की वजह से आप काम करते रहें। प्यारे बच्चों, उदासी और खुशी के ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और कुछ इरशाद फरमाया है, और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से भी हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के मौके पर क्या करते थे, उदासी के मौके पर क्या करते थे। तो चलिए आइए देखते हैं पेज नंबर 39 पर, ठीक है, जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है उदासी और खुशी के मुतालिक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से हमें कुछ पता चला। आइए देखते हैं पेज नंबर 39। कुरान मजीद और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से हमें पता चलता है कि खुशी के मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए और गम के मौके पर सब्र किया जाए। खुशी के मौके पर क्या किया जाए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने हमें खुशी से नवाजा, ठीक है, और गम के मौके पर क्या किया जाए, सब्र किया जाए, अल्लाह ताला से कोई गिले शिकवे ना किया जाए, या अल्लाह ताला आपने मुझे मुसीबत में डाल दिया, ऐसे गिले शिकवे ना किए जाए, बल्कि उस पर सब्र किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला आजमाता उनको ये जिससे अल्लाह ताला जिनसे मोहब्बत करता है। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुशी के मौके पर नमाज़ पढ़ते, अल्लाह की राह में सदका व खैरात करते और जानवर की कुर्बानी देकर अपनी खुशी का इजहार फरमाते। जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा तो हमेशा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब से दुआएं की और सब्र किया। अगर कभी हमारी कोई चीज़ गुम हो जाए या कोई हमारा कोई अजीज़ इंतकाल कर जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर हमें कुरान मजीद की यह आयत पढ़ने की तालीम दी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी कभी भी कोई बुरी खबर सुनो, कभी किसी का इंतकाल हो जाए, इसकी खबर सुने, अजीज़ इंतकाल कर जाए या कोई बुरा वाकया पेश हो जाए, तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब होता है बेशक हम अल्लाह की तरफ से हैं और हमें उसी की जानिब लौटना है। सही है, जब भी इंतकाल होता है तो हम ये वर्ड पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका क्या मतलब है, बेशक हम अल्लाह की तरफ से हैं और हमें अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो प्यारे बच्चों, खुशी में और गम में, उदासी में हमें किन क्या क्या करना चाहिए, खुशी में अल्लाह ताला शुक्र अदा करना चाहिए और उदासी में गम में अल्लाह सब्र करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम खौफ के जज्बे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि खौफ का जज्बा कैसा होता है और इसको किस तरह से दूर किया जाता है और अच्छे खौफ का जज्बे को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक वाकया है शेरियार का, ठीक है, शेरियार और उसकी बिल्ली का, तो आइए देखते हैं। ठीक है, पेज नंबर 39 ओपन करें, जी फिंगर रख लें, जी वेरी गुड। शेरियार की बिल्ली का बच्चा पता नहीं कहाँ था, उसने घर के कमरों में, बावर्ची खानों में
घर के पिछले हिस्से में अर्श हर जगह तलाश कर लिया था, लेकिन पता नहीं चिंकू कहाँ था। बिल्ली के बच्चे का क्या नाम है? चिंकू। वो ढूंढता ढूंढता बाग में पहुंचा, गमलों के पीछे देख लिया, दरख्तों के पत्ते हटाकर भी देख लिया, लेकिन चिंकू यहाँ भी नहीं था। अभी वो सोच ही रहा था कि चिंकू को और कहाँ तलाश किया जाए कि उसे चिंकू की आवाज़ आई। उसने इधर उधर देखा, फिर आवाज़ आई। ये आवाज़ तो दरख्त पर से आ रही थी। शेरियार ने जो नज़रें उठाकर देखा तो चिंकू ऊपर दरख्त पर फंसा हुआ था। अरे ये यहाँ कैसे पहुँचा? शेरियार ने चिंकू को आवाज़ें दी। चिंकू देखो मैं यहाँ हूँ, नीचे आओ शाबाश। लेकिन बिल्ली का बच्चा अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। पेज नंबर 40। शेरियार की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो चिंकू को कैसे नीचे उतारे। आखिर इसने दरख्त पर चढ़ने का फैसला किया। उसने दरख्त के तने को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा, उस शाख पर अपना एक पांव रखकर ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका। इसका पैर फिसला और मुड़ गया। दर्द से इसकी हल्की सी चीख निकल गई। म्याऊ, चिंकू की फिर से आवाज़ आई। इसे दरख्त पर चढ़ना ही होगा, शेरियार ने सोचा। दिल ही दिल में वो बहुत डर भी गया रहा था कि अगर वो दरख्त से नीचे गिर गया और उसे चोट लग गई तो क्या होगा। डरते डरते इसने फिर एक कोशिश की। इस बार इसने जमा कर अपना पैर शाख पर रखा। अब की बार इसने अपना तवाज़ुन बरकरार रखा, उस शाख पर चढ़ने में कामयाब हो गया। आहिस्ता आहिस्ता शाखों पर पैर रखता हुआ वो चिंकू तक पहुंच गया। इसने हाथ बढ़ाकर चिंकू को पकड़ लिया। अब नीचे उतरने की बारी थी। वो अंदर से अभी भी डर रहा था। पहले वो अकेला था, लेकिन अब तो चिंकू भी इसके साथ था। अगर अब इतनी ऊंचाई से गिरे तो इसने हिम्मत करके नीचे उतरना शुरू किया। एक शाख फिर दूसरी शाख। जैसे ही इसने तीसरी शाख पर पैर रख कर जोर दिया, शाख टूट गई। अगर इसने दूसरे हाथ से तने को मजबूती से पकड़ा हुआ ना होता तो वो और चिंकू दोनों नीचे गिर जाते। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, खौफ से वो कांपने लगा, इसके मुंह से चीख भी निकल सकी। थोड़ी देर में जब इसके अवसान बेहाल हुए तो इसने सोचा, अगर वो थोड़ी सी हिम्मत करे तो सिर्फ दो शाखों का फासला तय करके वो नीचे पहुंच सकता है। इसने एक हाथ से बिल्ली के बच्चे को अपने सीने से चिमटाया, दूसरे हाथ से दरख्त के तने को पकड़ा और एक मजबूत शाख पर पैर रख दिया। ये शाख इतनी कमज़ोर नहीं थी कि टूट जाती। इस कामयाबी के बाद इसने एक और शाख पर पैर रखा और घास पर छलांग लगा दी। इसके साथ ही शेरियार ने ज़ोरदार आवाज़ में नारा लगाया, ज़बरदस्त, हम नीचे आ गए। तो प्यारे बच्चों, आपने शेरियार की और उसके बिल्ली की कहानी, उस बिल्ली के बच्चे की कहानी पढ़ी। क्लियर है आपको? ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी और क्लियर है। प्यारे बच्चों, एक लड़का होता है जिसका एक बिल्ली का बच्चा होता है, शेरियार नाम होता है, बिल्ली का बच्चे का नाम होता है चिंकू। शेरियार अपने बिल्ली के बच्चे को ढूंढ रहा होता है क्योंकि काफ़ी देर से उसको मिलता नहीं है। तो इधर उधर देखता है देखता है देखता है, लेकिन उसको वो मिलता नहीं है। तो अब वो क्या करता है, वो उसको हर जगह तलाश करना शुरू कर देता है, किचन में, कमरे में, सही हर जगह पर तलाश करना शुरू कर देता है। जब वो बाहर निकलने की जाने बढ़ता है तो उसको एकदम चिंकू की आवाज़ आती है, मियाऊ करके। ठीक है, तो जो शेरियार है वो देखता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उस फिर दोबारा से आवाज़ आती है, उसको पता नहीं चलता कहाँ से आ रही है। फिर दोबारा इधर उधर देखता है, फिर एकदम उसकी नज़र पड़ती है दरख्त पर। चिंकू को आवाज़ देता है कि तुम यहाँ पर हो, जल्दी से शाबाश नीचे आओ। लेकिन चिंकू टस से मस नहीं होता क्योंकि उसको दरख्त पे से नीचे गिरने का डर होता है और वो ऐसी मियाओ मियाओ करता रहता है। अब काफ़ी देर तक वो जब नीचे नहीं आता तो शेरियार खुद हिम्मत करके, खौफ से उसको डर भी लग रहा होता है कि मैं इसके ऊपर चढ़ूँ और चढ़ने के बाद गिर ना जाऊँ, उसको डर भी लग रहा होता है, लेकिन वो हिम्मत करके दरख्त के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। पहली शाख पकड़ता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाता है। पहली दफ़ा में जब ट्राई करता है तो दूसरी शाख पे जब पैर रखता है तो उसका पैर मुड़ जाता है, उसके पैर और बहुत ही ज़्यादा उसके पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब वो दूसरी ट्राई करता है तो उसमें बाद आपता वो पहुंच जाता है। अब वो खौफ के मारे इतनी मुश्किल के से पहुंचा तो था, अकेले पहुंचने में उसको इतना डर लग रहा था, अब
चिंकू के पास पोस्ट हो गया। अब वो ये सोचता है कि मैं अकेला इतनी खौफ के साथ पहुंचा हूं, तो इतनी मुश्किलों से पहुंचा हूं, तो अब तो चिंकू भी मेरे साथ है, अब मैं नीचे कैसे उतरूंगा। तो वो हौसला करता है और हिम्मत करता है और चिंकू को अपने सीने से लगा लेता है, और लगाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके एक एक डाल करके नीचे उतर रहा होता है। जब वो तीसरी डाल पे होता है तो तीसरी डाल झटाक से जैसी पैर रखता है वो टूट जाती है, लेकिन उसका चौथी डाल के हाथ जो है वो रखा हुआ होता है, और जैसी डाल टूटती है वो उस डाल को ऊपर डाल को मजबूती से पकड़ लेता है। जैसे वो मजबूती से पकड़ता है वो डाल पे लटक के झूला झूला शुरू कर देता है, चिंकू उसको सीने से लिपटा हुआ होता है। अब उसको और ज़्यादा डर लगता है कि मैं नीचे कैसे उतरूँगा। वो हिम्मत करके ज़मीन उससे थोड़ी सी ऊपर होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत करके डाल पर डाल नीचे उतरता है, तो आहिस्ता आखिर में वो जंप लगाता है, और जंप लगाने के बाद वो घास के ऊपर कूद जाता है। जैसे ही वो कूदता है तो चोट भी नहीं लगती है उनको, क्योंकि ज़्यादा ऊपर से वो नहीं कूदता, और वो कूदता है और वो चिल्लाता है खुशी के मारे, हुर्रे हम लोग ज़बरदस्त, हम लोग ज़मीन पर पहुँच गए, हम लोग नीचे उतर गए। तो प्यारे बच्चों, खौफ के मारे आप लोगों को बहुत सारे अच्छे काम करने से भी आप रुक जाते हैं, लेकिन ऐसे काम जिसमें लोगों की या दूसरों की भलाई हो उस काम में आपको खौफ नहीं आना चाहिए। जैसे शहरयार अगर ये कहता कि भाई मुझे डर लगता है मैं दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ूंगा, क्या बिल्ली का बच्चा वो उतार पाता? नहीं उतार पाता। तो प्यारे बच्चों, ऐसे काम जिसमें दूसरों की मदद हो, दूसरों की इस्लाह हो, दूसरों के लिए आप मदद कर सको, ऐसे कामों से आपको खौफ नहीं खाना चाहिए। सपोज़ डेट किसी के घर में आग लग गई, आप बोलो भाई मुझे बहुत ज़्यादा आग से डर लगता है, अब घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ठीक है, और दूसरे लोग भी हैं जो फंसे हुए हैं उस आग में, अब आप क्या करोगे? आप बोलोगे भाई मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है मैं भी नहीं जाऊँगा। अब आप फायर ब्रिगेड को फ़ोन ना करो, फायर ब्रिगेड आके आग बुझाएगी, वो चलो वो निकाल देगा, फायर ब्रिगेड नहीं आती, बाद आप तक कोई मसला है, इश्यू है, तो आप उसको निकाल सकते हो? आप क्या करोगे? पानी वगैरह से बुझाने की कोशिश करोगे, बुझाने के बाद हिम्मत करके उधर से उसको निकालोगे। तो प्यारे बच्चों, ऐसे काम जो कि अच्छे काम हो उसके लिए खौफ को आपको निकालना ज़रूरी है। आपको इतना भी खौफ में नहीं आना चाहिए कि आप छोटी छोटी चीज़ों से डर रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप छोटी छोटी चीज़ों से खौफ से डर रहे हो, और ऐसा भी नहीं चाहिए कि आप किसी से ना डरें, ठीक है। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? वेरी गुड। अब खौफ का जज्बा हम कब महसूस करते हैं देखते हैं, ज़रा पेज नंबर 40 पे देख लें। खौफ के जज्बात हम इस वक्त महसूस करते हैं जब किसी काम को करने से पहले या उसे करते हुए हमें नुकसान का ख़तरा हो। जैसे किसी जानवर के करीब जाते हुए या हाथ लगाते हुए हमें यह ख़तरा होता है कि हमें काट ना ले। खौफ इंसान का फितरी जज्बा है। इस जज्बे की वजह से हम मुख्तलिफ काम करते हुए एहतियात बरतते हैं और अपने आप को नुकसान से बचाते हैं। खौफ का जज्बा हद से बढ़ जाए तो फिर मामूली चीज़ों से भी डर लगता है। हमें खौफ के जज्बे को अपने आप पर इस कदर हावी नहीं करना चाहिए कि हम कोई भी काम ना कर सके। कुछ खौफ अच्छे भी होते हैं, जैसे अल्लाह की नाराज़गी या वालदेन की नाराज़गी का खौफ, ठीक है। हमें इतना खौफ को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए कि हम कोई सा भी काम नहीं कर सकें, बल्कि डरना चाहिए ताकि आप उससे एहतियात बरत सकें। लेकिन आपको इतना भी हावी नहीं करना चाहिए कि आप कोई भी काम नहीं कर सकें। तो प्यारे बच्चों, खौफ आना ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं कि इतना नहीं कि आप कोई भी काम नहीं कर सकें, ठीक है। आपको इसलिए खौफ होता है कि आपको ये डर होता है कि आपको इसका नुकसान ना हो जाए, आपको चोट ना लग जाए, या आप जानवर से इसके करीब जाने से इसलिए डरते हैं कि आपको ये ख़तरा होता है कि वो आपको काट ना ले, आपको चोट ना मार दे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब हम खौफ की हालत में होते हैं तो हमारे अंदर के जो जज्बात हैं वो किस तरह के हो जाते हैं? पहला जो जज्बा है वो हमारा हो जाता है, हमारे दिल की धड़कन और सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, सही है। सपोज़ दैट, अब जब होता क्या है, जैसी सामने से जो है वो जो लड़कियां हैं वो एकदम काकरोच वगैरह देख लेती हैं, तो क्या होता है, एकदम उनकी धड़कन जो है वो, दिल की धड़कन जो है वो तेज़ होना शुरू हो जाती है, सांस की रफ्तार तेज़ होना शुरू हो जाती है, और वो चीखना शुरू कर देती है, काकरोच आ गया, काकरोच आ गया, ठीक है, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, अगर जो पहला खौफ का जज्बा क्या होता है कि हमारे अंदर जो दिल की धड़कन है और सांस की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा क्या होना शुरू हो जाती है, तेज़ होना शुरू हो जाती है। दूसरा जो हम महसूस करते हैं, हमें घबराहट और बेचैनी महसूस होती है। क्या होती है? घबराहट और बेचैनी महसूस होना शुरू हो जाती है।
तीसरा जो हम खौफ के वक्त महसूस करते हैं, हमारे अज़लात यानी मसल्स में खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है, जिस्म हमारा खींचना शुरू कर देता है। ये तीन चीज़ें जब होती हैं जब आप किसी भी चीज़ में खौफ महसूस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी खौफ महसूस करेंगे तो आपको तीन चीज़ें जो है वो महसूस हो रही होंगी। कौन कौन सी खौफ की हालत में होते हैं तो हम कौन कौन सी चीज़ें महसूस करते हैं, देखते हैं। खौफ की हालत में होते हैं तो कौन कौन सी बातें हम महसूस करते हैं उसमें? हम महसूस करते हैं पहली बात कि दिल की धड़कन और सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है। दिल की धड़कन और सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है। दूसरा, मसल्स में यानी अज़लात में खिंचाव पैदा शुरू हो जाता है। अज़लात में यानी मसल्स में खिंचाव पैदा होता है। बेचैनी और घबराहट महसूस होती है, घबराहट महसूस होती है। ठीक है, बात क्लियर हो गया आप लोगों को? सही है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप खौफ की हालत में हो तो आपको क्या काम करना चाहिए वो देख ले पेज नंबर 41 पे। सही है। पहली बात जो आपको खौफ की हालत में तो आप क्या करेंगे, पहली बात ये करेंगे किसी से बात करने या अपने बात कहने से कि आप किसी वजह से खौफ महसूस कर रहे हैं, खौफ का एहसास कम हो जाता है। ठीक है, किसी से बात करने या फिर किसी वजह से आप किस वजह से खौफ महसूस कर रहे हैं या आप किसी को बताते हैं तो आपका जो खौफ का जज्बा है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा, अगर आप खौफ की वजह से बेचैन हैं तो कुछ देर गहरे सांस लीजिए। ठीक है, अगर आपको खौफ आ रहा है तो आप उस खौफ में क्या करें, घेरे घेरा जो है वो सांस देना स्टार्ट कर दें। अपने आप को किसी और काम में मसरूफ़ कर लें। अगर आप खौफ में हैं तो आप किसी और काम में मसरूफ़ करेंगे, सबसे आसान तरीका ये है। अगर आप उदास हैं, अगर आप खौफ में, अगर आप गुस्से में हैं तो आप अपने आप को किसी और काम में मसरूफ़ कर लें। आपका गुस्सा, आपका खौफ, आपकी उदासी, आपकी खुशी, सब कुछ उसके अंदर मिक्स हो जाएगी और वह काम में आप गुम हो जाएंगे। ठीक है, जब खौफ महसूस करें तो अल्लाह से दुआ करें कि आपके दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ और किसी का नहीं। सही है, किसी चीज़ का अगर आपको खौफ आ रहा हो तो आप क्या करें, सही है, आप सिर्फ़ अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि आपके दिल में सिर्फ़ अल्लाह ताला का खौफ हो और किसी का खौफ ना हो। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। सो तमाम बच्चे जल्दी से कॉपीज़ निकालिए। जी, कॉपीज़ निकालने के बाद क्लास वर्क की हेडिंग डालिए, क्लास वर्क। हेडलाइन के नीचे हेडिंग डालिए खाली जगह पर करें। ठीक है, नंबर वन, खुशी के मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए
और गम। के मौके पर खुशी के मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए और गम के मौके पर देश किया जाए। नंबर टू ब्लैंक्स। अगर आप खौफ की वजह से बेचैन हैं तो कुछ देर पेश कीजिए, कुछ देर देश कीजिए। प्यारे बच्चों, अगर आप खौफ की वजह से देश हैं तो आपको कुछ देर देश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गहरे सांस लेनी चाहिए। ठीक है, तो दो ब्लैंक्स हैं, दोनों ब्लैंक्स जल्दी से कॉपी करें। ठीक है, कॉपी हो गए, सही। हेडिंग डालिए, सवालात के जवाब दीजिए, सवालात के जवाब दीजिए। पहला सवाल, शहरियार ने बिल्ली के बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को किस तरह दरख्त से नीचे उतारा, बयान करें। तारा बयान कीजिए। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताना है कि जो शेरियार है उसने अपने बिल्ली के बच्चे को किस तरह से दरख्त से नीचे उतारा था, आपको ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आप पूरा वाक्य पढ़ चुके हैं, आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, आप को किन चीज़ों से खौफ आता है और आप अपने खौफ का इजहार किस तरह करते हैं, और आप अपने खौफ का इजहार किस तरह करते हैं। ठीक है, आपको इस सवाल में क्या बताना है, आपको खुद से लिखना है आपको किन किन चीज़ों से खौफ आता है, आप किन चीज़ों से डरते हैं और आप उनका इजहार किस तरह से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर हमारे अंदर खौफ का जज्बा ना होता तो इसका क्या नुकसान होता, इसका क्या नुकसान
होता। प्यारे बच्चों देखें, जो खौफ है वो भी होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हमारे अंदर खौफ का जज्बा नहीं होगा तो हमें बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जानवर जो है वो ख़तरनाक होता है, उससे आपको थोड़ा सा खौफ रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपके अंदर उससे खौफ का जज्बा नहीं होगा तो आप बाज़ाब्ता उसके पास जाएंगे और उसके साथ खेलना शुरू भी कर देंगे, ठीक है, तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपको इसमें ये बताना है कि अगर हमारे अंदर खौफ का जज्बा ना होता तो इसका क्या नुकसान होता। हमारे अंदर खौफ का जज्बा ना होता तो हम अल्लाह ताला से भी जो है वो खौफ नहीं खाते, क्योंकि जिसके अंदर खौफ नहीं होगा वो अल्लाह ताला से भी खौफ नहीं खाएगा, ठीक है। तो हम लाजमी है कि खौफ का जज्बा हो, क्योंकि इससे आपकी जो अंदर की खामियाँ हैं वो मेंटेन रहती हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको। हमारे अंदर खौफ का जज्बा ना होता तो क्या होता नुकसान, आप ये लिखेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे खुद से। क्वेश्चन नंबर फोर क्या होगा? अगर हम खौफ की हालत में हैं तो हमें क्या करना चाहिए? खौफ की हालत में हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आप खौफ की हालत में तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मैंने चार पॉइंट बताए थे ना, वो चारों पॉइंट इसमें आप लिख लेंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों, अगर खौफ का जज्बा ना होता तो इससे क्या नुकसान होता है? इसका खौफ का जज्बा ना होता तो आप किसी की नहीं मानते, अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं करते, ठीक है। अगर खौफ होता है हमें माँ बाप का, अपने माँ बाप का, कि हमें मारेंगे, हम उनकी इज्जत करते हैं। अगर उनका खौफ नहीं होगा, अपने वालिदैन का खौफ नहीं होगा, सही है, बड़ों का एहतराम नहीं होगा, सब कुछ जो है वो हम भूल जाएंगे। इससे नुकसान होगा कि हम सब कुछ एहतराम करना भूल जाएंगे, दूसरों की इज्जत करना भूल जाएंगे, और भी बहुत सारे हमें नुकसान इससे होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चार सवाल ये हो गए, पांचवा सवाल ऊपर लिख दे दें। क्वेश्चन नंबर फाइव, खौफ की हालत में हम कैसा महसूस करते हैं? प्यारे बच्चों, कैसा महसूस करते हैं? जो हमारे मसल्स हैं वो खिंचना शुरू हो जाते हैं, हमें घबराहट और बेचैनी सी महसूस होना शुरू हो जाती है, हमारे दिल की धड़कन और सांस की रफ्तार तेज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये पांच सवाल हैं, तमाम बच्चे पांच सवाल कीजिए। तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए, हमारी मुलाकात इसके नेक्स्ट लेक्चर में होगी। अल्लाह हाफिज़।